हाय एवरीवन, माय नेम इज़ कन्हैया पटेल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर का जो हम बेसिक नॉलेज वाला पढ़ते हैं उसमें आज एक और क्वेश्चन को लेके मैं आया हूँ। देखिए, एक और क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर के बेसिक के नॉलेज से, उसको हम जानते हैं। सूचना और प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग के प्रकारों को बताइए। तो सबसे पहले सूचना क्या है जानते हैं। डाटा पर प्रक्रिया होने के बाद यह सूचना में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार डाटा सूचना का आधार है। सूचना जानकारी को बढ़ाती है, इसलिए जानकारी का आधार सूचना होती है। अतः डाटा, सूचना और जानकारी परस्पर निर्भर हैं। ठीक है, सूचना क्या है। सूचना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। डाटा मतलब डाटा आपको पता ही होगा, जो डाटा के ऊपर हम कोई काम करते हैं, जैसे कुछ भी चीज़ है हम डाटा के माध्यम से, अगर मान लो जैसे कि ये वीडियो मैं यूट्यूब में डालने वाला हूँ डाटा के माध्यम से, तो वही डाटा जो है सूचना में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार डाटा सूचना का आधार है। जो डाटा सूचना का आधार है, डेफिनेटली कोई भी सूचना हमें प्रसारित करनी है तो डाटा हमारे पास होना चाहिए जिससे वो उसको प्रसारित किया जा सके। सूचना जानकारी को बढ़ाती है, मतलब कोई भी सूचना होगा उसको, सूचना को लेकर कोई भी जानकारी प्राप्त करेगा डेफिनेटली, इसलिए जानकारी का आधार सूचना होती है। अतः डाटा, सूचना और जानकारी परस्पर निर्भर है। उसी प्रकार प्रोग्रामिंग भाषा क्या होती है। प्रोग्रामिंग भाषा कंप्यूटर की एक भाषा है जिसे कंप्यूटर के विद्वानों ने कंप्यूटर पर एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया है। पारस्परिक भाषा की तरह ही प्रोग्रामिंग भाषाओं के अपने अपने व्याकरण होते हैं। इसमें भी वर्ण, शब्द, वाक्य इत्यादि होते हैं। प्रोग्रामिंग भाषा भी क्या है, कंप्यूटर की एक भाषा है जिसे कंप्यूटर के विद्वानों ने कंप्यूटर पर एप्लीकेशन को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया है, मतलब जो कि ओनली कंप्यूटर में ही काम कर पाए वैसी भाषा बनाया है। तो इसमें भी व्याकरण होते हैं, इसमें भी वर्ण, शब्द, वाक्य ये सब होते हैं, ये प्रोग्रामिंग भाषा होती है। प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार क्या होते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, लो लेवल के और हाई लेवल के। लो लेवल में मशीन भाषा, असेंबली भाषा आते हैं। हाई लेवल में बेसिक, कोबोल, पास्कल, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ये सब आते हैं हाई लेवल की भाषा में। मतलब प्रोग्रामिंग भाषा जो है एक, जो कि सिर्फ कंप्यूटर में काम करता है, एक ऐसी भाषा है जो कि कंप्यूटर के विद्वानों ने सिर्फ कंप्यूटर के एप्लीकेशन विकसित करने के लिए किया है। प्रोग्रामिंग भाषा दो प्रकार के होते हैं, लो लेवल भाषा, लो लेवल का एक, हाई लेवल का। लो लेवल में मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, हाई लेवल में पास्कल, सी, सी प्लस, जावा, ये सब आते हैं जो कि हाई लेवल की भाषा है। लो लेवल में वे भाषा है जो अपने कोड को मशीनी कोड में बदलने में किसी भी अनुवादक को सम्मिलित नहीं करती हैं। ठीक है, लो लेवल की भाषा वे भाषा है जो अपने कोड को मशीनी कोड में बदलने के लिए किसी भी अनुवादक को सम्मिलित नहीं करती हैं। मशीन भाषा बाइनरी कोड 1 या 0, मतलब बाइनरी कोड ही हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, 1 या 0 में दिए निर्देशों को मशीन भाषा कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज, इसमें निर्देश अंग्रेजी के शब्दों के रूप में दिए जाते हैं, NOV, ADD, सब आदि, मतलब जैसे कि एडिशन करना है तो ADD, सब्सट्रैक्शन करना है तो SUB, ये सब जो है असेंबली भाषा होती है। हाई लेवल भाषा में फोर्ट्रेन, बेसिक, कोबोल, ये सब आते हैं जो कि हाई लेवल की भाषा है जिसको विद्वान अपने मतलब यूज़ करते हैं। मतलब ये जैसे कि फोर्ट्रेन है, इसको ये फोर्ट्रेन भाषा है, इसको जो है वैज्ञानिक यूज़ करते हैं अपने भाषा में। बेसिक है, इसको भी वैज्ञानिक लोग ही यूज़ करते हैं। तो ये जो हम लो लेवल मशीनी भाषा, असेंबली भाषा, इसको हम अपने कंप्यूटर में नॉर्मली यूज़ करते हैं, और बाकी ये भाषाएँ जो हाई लेवल की भाषा हैं ये वैज्ञानिक लोग यूज़ करते हैं। तो यही था इस पूरे टॉपिक का एनालिसिस कि सूचना क्या है। आप समझ गए होंगे प्रोग्रामिंग भाषा इसके दो प्रकार के होते हैं, लो लेवल, हाई लेवल, और ये प्रकार की असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल क्या होता है हमने समझा। तो यही है, आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर थोड़ा भी यूज़फुल हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।